भारत में भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पेशेंट का एक मामला सामने आया है। पेशेंट एक स्टूडेंट है जो चीन के वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है और केरल का रहने वाला है, और वो भी पूरी तरह से इस वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। दोस्तों, अभी स्टूडेंट आइसोलेशन में है और उसे कड़ी निगरानी में रखा गया है। क्या है कोरोना वायरस, क्या है इसके लक्षण और इससे कैसे बचा जाए? आज के इस वीडियो में ये सारी बातें आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहें वीडियो के आखिर तक। दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस से अब तक मरने वालों की संख्या 106 से ज़्यादा हो गई है और इससे जुड़ी निमोनिया के अब तक 4,515 से ज़्यादा के मामले सामने आ चुके हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस चीन के अलावा थाईलैंड में 7 केसेस, जापान में 3, दक्षिण कोरिया में 3, अमेरिका में 3, वियतनाम में 2, सिंगापुर में 4, मलेशिया में 3, नेपाल में 1, फ्रांस में 3, ऑस्ट्रेलिया में 4 और श्रीलंका में 1 का मामला सामने आ चुका है। दोस्तों, ये सारे मामले मेरी वीडियो बनाने तक की है, इससे आगे और भी मामले लगातार देखे जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों के मुताबिक कोरोना वायरस कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि ये कई वायरसों का एक ग्रुप है। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसमें इन्फेक्शन होने पर जुकाम होने से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। ये वायरस दिसंबर में चीन के वुहान शहर में सबसे पहले देखा गया था, इसलिए इससे कई लोग वुहान वायरस भी कह रहे हैं। WHO के मुताबिक अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है और ना ही इसका कोई इलाज अभी तक ढूंढा गया है। क्या है इसके लक्षण? कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होने पर बुखार आना, जुकाम होना, सांस लेने में तकलीफ होना, नाक का बहना और गले में खराश जैसी समस्या देखी गई है। ये एक के होने पर या एक व्यक्ति को हो जाने पर दूसरे को आसानी से फैलने वाला रोग है। यह फैलने वाला बहुत ही खतरनाक रोग है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। इसके दूसरे देशों में पहुंचने की भी काफ़ी ज़्यादा आशंका बनी हुई है। इससे कैसे बचा जाए? इसे बचने के लिए कोई खास तरीके की खोज अब तक नहीं हो पाई है। WHO के मुताबिक इस वायरस से बचने का अभी तक कोई खास तरीका विकसित नहीं हो पाया है। फिर भी कई तरह की सावधानी बरतने पर कई हद तक आप इस वायरस से बचे रह सकते हैं। इसे बचने के लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। हाथ साबुन से धोना, खांसते या छींकते वक्त नाक या मुंह में रुमाल रखना या टिश्यू पेपर रखना बहुत ज़रूरी है। अंडे या मांस मछली का सेवन फिलहाल अभी ना करें, या कोई भी अंडा या मांस मछली सही से पकाएं, अच्छे से पका कर खाएं। जंगली जानवर से ज़्यादा नज़दीकियां ना बढ़ाएं, क्योंकि माना जा रहा है कि ये वायरस जानवरों से ही फैला है, कि कई हद तक ये जानवरों से ही फैल रहा है। ये वायरस, कोरोना वायरस, जानवर के शरीर से इंसान तक पहुंचा है ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में सावधानी ज़रूर बरतें और जिन्हें भी सर्दी जुकाम या फ्लू हो गया है तो उनसे दूरी बनाकर रखें, और ज़रा सी सर्दी जुकाम होने पर तुरंत अपने डॉक्टर से मुलाकात करें, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों, ये तो था कोरोना वायरस के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जानकारी लोगों तक पहुँचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे वाले बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करिए, ताकि आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो मिस ना कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।